नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी पोल्ट्री फार्म चैनल से रविंद्र कुमार। और लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी आशा करता हूं। अब उसके आगे का हम आपको दिखाते हैं। बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, चिक्स में से हमने अखबार हटा दिए हैं। अखबार हटाने के बाद हमने वापस से गुड़ पानी लगाया था, और अब की बार उसमें हमने सिरका नहीं मिलाया था, सिर्फ ओनली गुड़ पानी लगाया था। उसके बाद हमने जब फार्म में विजिट किया तो हमें कुछ चिक्स जो हैं वो उदास दिखाई दिए थे, तो हमने उनके लिए भी इसमें एंटीबायोटिक चालू किया है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। और साथ में अपने जो भी हमने अभी तक कार्य किए हैं या जो भी हमने फार्म में अब तक काम किया है वो भी आपको दिखाते चलते हैं। तो दोस्तों, आप चिक्स को देख पा रहे हैं, हमने अखबार नीचे से हटा चुके हैं और वेंटिलेशन भी आज खोल रखा है, और कल भी हमने खोला था क्योंकि कल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, 95 के आसपास पहुँच गया था। वहीं आज टेम्परेचर 87 के आसपास ही है, क्योंकि आज मौसम में थोड़ी नरमी है, कल थोड़ी ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया था। हमने फार्म में विजिट किया कल, तो हमें लगा कि कुछ चूजों में इन्फेक्शन की सी शिकायत है, या कहें कमज़ोर चूजे जो होते हैं वो इन्फेक्शन का जल्दी शिकार होते हैं, तो इस वजह से हमने कुछ इस टाइप के छोटे चूजे दिखाई दिए थे जो आप देख पा रहे हैं, ये जैसे चिक्स है। तो हमने इसमें एंटीबायोटिक स्टार्ट किया, और वो एंटीबायोटिक भी हम आपको दिखा देते हैं। तो हमने इसमें न्यूडोक्स फोर्ट करके एंटीबायोटिक स्टार्ट किया है, और लगभग अधिकतर फार्मर भाई इसको जानते भी हैं कि क्यों यूज करते हैं, लेकिन हम बताते चले। यह ज़्यादा करके हम तभी यूज करते हैं जब सर्दियों का टाइम हो, जिससे कि बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांस ना रहें और ज़्यादा जो चिक्स होते हैं छोटे बड़े ना हो, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। और यह योक में भी काम आता है, क्योंकि यह योक को गलाने में आसानी करता है, और चिक्स में योक की जो शिकायत होती वो भी इससे नहीं बनती, इसलिए भी जो फार्मर भाई उनको यूज करते हैं। लेकिन हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं, हमें अपने फार्म में छोटे बड़े चिक्स दिखाई दिए थे, तो इस वजह से हमने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। इससे ये होता है कि जो छोटे चिक्स हैं उनमें इन्फेक्शन, अगर सही से पानी पीते हैं वो, तो उनमें इन्फेक्शन नहीं बनेगा और जल्दी ही ग्रोथ कर जाएंगे। और फार्म में हमने जगह भी कल दे दी थी, आप देख पा रहे हैं मेरे फार्म में काफ़ी अच्छे से मैंने जगह दी हुई है। ऐसा नहीं है कि बच्चा भीड़ मान रहा है या बहुत ज़्यादा इसमें चिक्स हैं और कम जगह हो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में भी बच्चों में इन्फेक्शन बनना या छोटे बड़े चिक्स हो जाना आम बात होती है। तो हमने कल एक पोल जो है, हम पोल इसको बोलते हैं, जैसे ये पाइप से हमारी ये पाइप तक की जगह, इसको एक पोल बोलते हैं, तो इतनी जगह हमने इनको दे दी थी, यानी कि वो वाली जगह हमने इनको दी थी। तो साथ में ही हमने जो गैस ब्रूडर हैं वो भी शिफ्ट करके यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे लगा दी, जो जगह हमने नहीं दी थी, और दूसरे वाले वो लास्ट कॉर्नर में ही है। और कल रात को हमें जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जो ये भूसी है ये काफ़ी गर्म होती है, और हमने सीलिंग भी की हुई है, तो हम सीलिंग को काफ़ी टाइट कर देते हैं, और भूसी में बर्ड को या चिक्स को इतनी ठंड नहीं लगती, या टेम्परेचर हमारा ठीक था, तो हमने भट्टियों की ज़रूरत या गैस ब्रूडर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहीं बात करते हैं आज की, तो आज अभी हमने सादा पानी लगाया हुआ है, और सादा पानी के बाद हम रात को वापस से जो अपनी ये एंटीबायोटिक है वापस दिखाते चलते हैं, न्यूडक्स, इसी को 1 ग्राम 3 लीटर में लगाएंगे, और यह लगभग हम 3 दिनों तक लगाएंगे। लेकिन हमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि हमारा जो कल का दिन है वो वैक्सीनेशन के लिए 7 डे हो जाएगा, और हम सोच रहे हैं कि हम वैक्सीन भी करें, तो हो सकता है आज शाम को हम इसको लगाएं और कल शाम को हम वैक्सीन करें, तो आगे की वीडियो हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक के फीडर हमने लगा दिए हैं, और अब इन पे कुछ जो फीडर हैं हमारे उन पर हम इनके ऊपर वाले ढक्कन जो होते हैं वो भी लगा देंगे, और बाकियों को रहने देंगे, क्योंकि सर्दियों में यही फ़ायदा होता है खुले फीडर का कि चिक्स इसमें आके बैठ जाए। और उसके साथ एक ड्रॉबैक भी है इसका कि इसमें गंदगी ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि चिक्स इसी में ही लैटरिंग करता है और उसी में से फीड खाता है, तो उसमें थोड़ी गंदगी ज़्यादा खा लेता है। लेकिन हम अभी इसमें से कुछ बर्तनों पर ही लगाएंगे, क्योंकि इन पर लगाने से बर्तन के जो ऊपर के ढक्कन लगाते हैं उससे हमारे फार्म में भीड़ भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें चिक्स बैठता है तो भीड़ कम करता है, और जब इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं तो सारे चिक्स इस पर आ जाते हैं नीचे लीटर पर, तो लीटर में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हम देखेंगे, अगर कल मौसम ठीक रहा तो या कल या परसों में एक पाइप इसमें जगह और दे देंगे, और वैसे भी अभी हमारे पास काफ़ी जगह है, ऐसा नहीं है कि हमारे फार्म में भीड़ है। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारे जो गैस ब्रूडर हैं उसमें भी हमने अभी एक ही सिलेंडर जो यूज़ किया था शुरू से अभी तक वही चल रहा है, और दूसरे वाले पे भी एक लगा हुआ है, और इस पे भी एक लगा हुआ, अभी तक ये खाली नहीं हुए, क्योंकि टेम्परेचर हमें ठीक मिल रहा है और मौसम अभी ठीक है। अगर 1-2 दिन में मौसम ख़राब होता है तो ही हमें प्रॉब्लम आएगी, वरना शायद हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा कुछ गैस का खर्चा बच जाएगा। पार्टीशन भी आप देख पा रहे हैं और वेंटिलेशन भी आप देख पा रहे हैं, हमें पर्दे भी अभी वैसे ही टाइट हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हैप्पी पोल्ट्री फार्म चैनल पर, वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक शेयर करें। और नए फार्मर भाई के लिए यह एक ट्रेनिंग की तरह है, तो आप इसकी हर एपिसोड या हर वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।